नमस्कार, नेक्स्ट टू नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है भोजपुरी एक्टर और सिंगर समर सिंह को लेकर। आपको बता दें कि समर सिंह इस वक्त जेल में बंद है, उन्हें पुलिस ने फिलहाल हिरासत में रखा हुआ है। कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में समर सिंह को भेजा जा चुका है, लेकिन समर सिंह के वकील आशीष सिंह लगातार समर सिंह को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच अब यहां पर ये बात सामने आ रही है कि आकांक्षा दुबे के बाद अब जल्द ही पुलिस समर सिंह का CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। दरअसल आपको बता दें, आकांक्षा दुबे के बाद अब समर सिंह के भी कॉल डेटा रिकॉर्ड को निकालने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस के हाथ समर सिंह के पास जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं वो समर सिंह के नहीं है, बल्कि समर सिंह कोई दूसरा ही नंबर इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में पुलिस के लिए ये एक काफी बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार समर सिंह ने किसे किसे कॉल किया है और सबसे ज्यादा फोन पर उसने आखिरी 10 दिनों में किससे बात की है। समर सिंह ने जहां एक और आकांक्षा दुबे को लेकर ये सवाल उठाया कि आकांक्षा किन्हीं दो लड़कों से बात कर रही थी, ऐसे में पुलिस के लिए ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इन 10 दिनों में समर सिंह ने किस किस से बात की। और शायद अब समर सिंह के CDR से ही पुलिस आकांक्षा दुबे के केस को सुलझा पाएगी। और साथ ही पुलिस अब संजय सिंह की तलाश में भी समर सिंह का CDR काफी ज्यादा मदद कर देने वाला होगा। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।